हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उस सिलसिले में मैं आपसे बात करूंगी। तो मैं बाहर निकली हुई हूं और आपको यहां पे रशिया का जो बाहर का नज़ारा है मैं आपको दिखाना चाहती हूं। आप लोगों के मन में होगा ना कि रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है तो रशिया में क्या माहौल है। यूक्रेन का तो सभी दिखा रहे हैं कि यूक्रेन में कैसा माहौल है, किस तरीके का माहौल है, सब सारे न्यूज़ चैनलों पर दिखाया जा रहा है। लेकिन आप लोग ये भी सोचते होंगे कि रशिया में क्या चल रहा है, रशिया में लोग कैसा, यहाँ का माहौल, वहाँ लोग किस तरीके से वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इस टाइम जो जैसा माहौल है। तो इसीलिए मैं अभी बाहर निकली हूँ। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड का मौसम, अभी जो यहाँ का टेम्परेचर है वो है -5 है और बहुत ही ठंड है। ठंड की वजह से मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन मैं फिर भी आपको बाहर निकली हूँ यहाँ का माहौल, यहाँ के नज़ारे दिखाने के लिए कि और देख पा रहे होंगे अभी ये देखिए पार्क है और सामने पार्क है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ये इधर भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब अपना अपना, जिनको शॉपिंग करना है, टहलने घूमने जहाँ जिसको जाना है सब अपना काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि देखिए लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं और अपना सारा काम कर रहे हैं। गाड़ियाँ, ये रोड है, रोड पे देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है। आप लोग मुझसे यही पूछते हैं बार बार, मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या रशिया में कुछ ऐसा माहौल है, डर का माहौल है या कुछ वहाँ होने वार का असर उधर भी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जैसे जो भी आप लोगों के मन में मेरे लिए जो डर था उस डर को मैं निकालने के लिए कि हाँ देखिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, सब ठीक है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बनाई कि आप लोग भी देख सकें कि रशिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वो सारी चीज़ों को मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, तो बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं, सब समझ ही। अभी ये देखिए, ये अभी मैं एक शॉपिंग मॉल के पास पहुंची हूं और यहां पे आप देख ही रहे होंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं है, सब नॉर्मल है। और रशिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसको लेके लोग यहां पैनिक भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। अभी आप किसी से बात भी करेंगे यहां पे, मैं अगर किसी से बात करूंगी पूछूंगी कि बताइए अभी जो वार चल रहा है तो क्या आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता है कि कहीं कुछ हो भी रहा है, क्योंकि लोग इतना न्यूज़ वगैरह जो है वो चीज़ें नहीं देखते हैं, क्योंकि न्यूज़ में भी अगर देखते भी हैं तो वो सब सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं जैसा इंडिया में दिखाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे किसी से बात करना भी सही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को कुछ पता भी नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मैं इन लोगों से बात भी नहीं कर सकती हूँ, कुछ पूछ भी नहीं सकती हूँ। शॉपिंग मॉल के अंदर का नज़ारा है और यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, सब सही। ये इधर कुछ लोग कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरीके के लोग भी मिल जाएंगे इस कंट्री के,
लोग भी आपको मिलेंगे। तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी डर, आपके मन में अगर मुझे लेके कोई डर होगा कि मैं यहाँ पे सेफ़ नहीं हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा तो मैं वापस इंडिया चली जाऊँगी, और अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है।